आज मैं आपको एकदम इजी तरीके से पनीर का सब्जी बताऊंगी, जिसमें मैं डेढ़ प्याज ली हूँ, डेढ़ ही बोलिए, एक छोटा सा प्याज ली हूँ, एक बड़ा प्याज है, और थोड़ा सा लहसुन, और एक छोटा सा स्टिक देखिए दालचीनी, और दो तेज पत्ता, और टमाटर को मैं जला ली हूँ, जला के उसका छिलका को अलग कर ली हूँ, जिससे मेरा ये जल्दी बनेगा, है ना। देखिए पनीर को मैं गर्म पानी में देखे रखी हूँ, ये एकदम नरम हो गया है, देखिए इसको 5 मिनट गर्म पानी में रखी हूँ, उसके बाद फिर इसको निकाल के सब्जी बनाऊँगी। और प्याज को मैं कढ़ाई में थोड़ा लाल करके भून के उसको पीस ली हूँ, और उसमें कुछ नहीं डाली हूँ, सिर्फ प्याज पीसा हुआ है, और ये लहसुन को मैं पीस ली हूँ, देखिए ऐसा। अब झटपट हम चलिए पनीर का सब्जी बनाते हैं। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है मेरा, अब इसमें मैं तेल डालूंगी, मैं सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी तेल डालिए, 1 चम्मच से 2 चम्मच तेल इसमें लगा है मेरा। और सबसे पहले मैं इसमें दालचीनी, देखिए तेज पत्ता मेरा लाल हो गया है, और इसमें लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन मैं पहले इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा प्याज पहले से भुना हुआ है, लहसुन थोड़ा भून जाएगा, फिर मैं प्याज का पेस्ट इसमें डाल दूँगी। देखिए लहसुन हो गया है, अब इसमें प्याज का जो पेस्ट है उसको डाल रही हूँ। इसी समय मैं इसमें हल्दी 1 चम्मच डालूँगी, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा। जब ये भून जाएगा फिर मैं इसमें टमाटर को जो मैं जला के रखी हूँ उसको डाल दूँगी। इसमें देखिए मैं अदरक यूज़ नहीं कर रही हूँ, धनिया जीरा कुछ नहीं डाली हूँ ना, एकदम सिंपल है ये। देखिए मसाला भुन गया है, अब मैं इसमें टमाटर को डाल रही हूँ, फिर इसको मैं काट दी हूँ ना, बस टमाटर गल जाएगा फिर मैं इसमें पानी डाल दूंगी। 2 मिनट इसको मैं ढक के बनाती हूँ। देखिए टमाटर भी गल गया है और तेल भी छोड़ दिया है, देखिए साइड साइड में, मतलब मेरा मसाला भुन गया, और एक तो मसाला एकदम बीच में आ जाता है तो इसे समझ में आता है कि मसाला भुन गया है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो दीजिए। मलाई मैं 2 चम्मच दे रही हूँ, इससे क्या होता है इसका स्वाद बहुत सब अच्छा हो जाता है। इसमें तो और मैं कोई मसाला नहीं दे रही हूँ, तो इसमें जब आप 2 चम्मच मलाई देंगे तो उसका स्वाद एकदम खिल के आएगा। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकती हैं नहीं भी दे सकती हैं, ये एकदम अलग हट के मैं पनीर का सब्जी बना रही हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस 2 मिनट इसको मैं चला लूँगी, उसके बाद मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। तो मलाई हो गया है, अब इसमें मैं पनीर को डाल रही हूँ, पनीर को मैं छान के रखी थी, इसी में नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। देख इतने झटपट तरीके से मेरा ये पनीर का सब्जी बन गया। अब इसको आप अगर सूखा खाना चाहती हैं तो सूखा खाइए, नहीं तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। 2 मिनट लेकिन मैं इसको थोड़ा भून दूँगी, गरम मसाला 1 चम्मच डाली, बस इसमें आपको कुछ नहीं डलेगा। देखिए पनीर एकदम मेरा अच्छे से बन गया है, अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, मैं पानी हमेशा गर्म ही डालती हूँ, देखिए इसमें गर्म पानी ही डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी बनेगा, टाइम नहीं लगेगा मेरे को क्योंकि ये झटपट पनीर है। देखिए गर्म पानी देने से ये साथ साथ ही उबलने लगा, ये ठंडा पानी देते थे इसमें टाइम लगता ना उबलने में, बस हो गया रेडी। अब इसको आप गर्म गर्म चावल रोटी पराठा जिसके साथ खाना पसंद करती हैं खाइए, और प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ये ऑप्शनल है। धनिया पत्ती मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ, आप डाल भी सकती हैं नहीं भी डाल सकती हैं। बस मेरा पनीर का सब्जी रेडी है।